सनसनी। पहले मीटिंग में गिड़गिड़ाया चीनी कमांडर। फिर लद्दाख में तंबू उखाड़ कर भागा सिद्धिची। कैसे फेल हुआ ड्रैगन का ऑपरेशन एलएसी। चीन की बोलती बंद करने वाला खुलासा। सीक्रेट मीटिंग की इनसाइड स्टोरी। लाल ड्रैगन यानी चीन, दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क जिसे उसका कोई भी पड़ोसी मुल्क पसंद नहीं करता है। कोई भी मुल्क चीन को भरोसे के लायक नहीं समझता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि चीन के कई चेहरे हैं और हर चेहरे पर लगा हुआ है दगाबाजी का दाग। क्योंकि चीन की हर बात के पीछे छुपी होती है विश्वासघात की कहानी। ऐसा ही विश्वासघात चीन ने भारत के साथ भी किया है, लेकिन भारत ने दगाबाज चीन को ऐसा सबक सिखाया है कि उल्टे पांव से भागना पड़ा। सनसनी में आज देखिए कैसे उल्टा पड़ गया चालबाज चीन का दांव और कैसे नाकाम हो गया चीन का ऑपरेशन एलएसी। एलएसी पर दगाबाज चीन ने चढ़ाई की पूरी तैयारी कर रखी है। लद्दाख से लेकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक चीनी फौज बॉर्डर के नजदीक मोर्चाबंदी कर रही है। करीब 2500 मील में फैली एलएसी के आसपास अचानक चीन के सैनिकों की हलचल पड़ गई है। जमीन से लेकर आसमान तक चीन ने अचानक चौकसी बढ़ा दी है। एक तरफ बॉर्डर के आसपास चीन के जंगी जहाज मंडरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एलएसी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर सीक्रेट बंकर बनाए गए हैं। जहां पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के हजारों सैनिक लाओ लश्कर के साथ तैयार बैठे हैं। सूत्रों के मुताबिक फौज की यह पूरी तैयारी चालबाज चीन के बैकअप प्लान का हिस्सा है। आखिर क्या है बैकअप प्लान? एलएसी के नजदीक सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाकर चीन कौन सी नई चाल चलना चाहता है? और चीन की नई चाल को नाकाम करने के लिए कितना तैयार है भारत, ये आज हम आपको बताएंगे। लद्दाख में हजारों सैनिकों को तैनात करके चीन अपनी सेना का शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। एक महीने से चीनी सेना ने लद्दाख में एलएसी के आसपास तनाव बढ़ा रखा है
उस तनाव को कम करने के लिए 3 दिन पहले ही टॉप कमांडर्स की हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी। उस सीक्रेट मीटिंग की इनसाइड स्टोरी भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि एलएसी पर भारत ने कैसे दिया है चीन को मुंह तोड़ जवाब और भारत के पलटवार से कैसे दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ ड्रैगन। लद्दाख में चीन ने लंबी चौड़ी तैयारी के साथ मोर्चा संभाल रखा है। सैटेलाइट की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि चीनी सैनिकों ने एलएसी के नजदीक तंबू गाड़ रखे हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन तंबुओं से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर चीन ने भारी भरकम रिजर्व फोर्स तैनात कर रखी है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने पूरे एलएसी पर न सिर्फ अपने सैनिक बल्कि लड़ाकू विमान अवॉक्स जैमर एयरबोन ब्रिगेड तैनात कर रखी है। करीब 50,000 सैनिक और सैन्य साजो सामान जमा किए हुए हैं। चीन की इस चाल से भारतीय सेना पहले से वाकिफ थी, इसलिए बिना किसी देरी के भारत ने भी सैनिकों की मिरर डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी। मिरर डिप्लॉयमेंट मतलब जितने सैनिक चीन ने तैनात किए उसके जवाब में उतने ही सैनिक भारत ने भी मोर्चे पर भेज दिए। एलएसी के नजदीक जितने चीन के हथियार नजर आ रहे हैं उतने ही हथियार भारत ने भी तैनात कर दिए। भारत की इस जवाबी कार्रवाई ने चीन को ऐसा आईना दिखाया कि उसे रक्षात्मक रणनीति अपनानी पड़ी। आखिरकार चीन को बातचीत की मेज पर आना पड़ा। फिर भी अगर चीन पीठ पीछे साजिश रचता है तो इसके लिए सेना की तैयारी भी पुख्ता है। लद्दाख में वायुसेना के सुखोई विमान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। MiG-29 लड़ाकू विमान के साथ कुछ अटैक हेलीकॉप्टर्स भी तैनात कर दिए गए हैं। लद्दाख ही नहीं, नॉर्दर्न बॉर्डर यानी पूरी एलएसी पर भारत ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है। चीन ने अरुणाचल और सिक्किम से लगते सीमा के अपने सैन्य ठिकानों पर भी सैनिक जमावड़ा बढ़ा दिया है, लिहाजा भारत ने भी एहतियात के तौर पर अपने सैनिकों को फॉरवर्ड पोजीशन पर पहुंचाया है। टॉप सरकारी सूत्रों के मुताबिक मौजूदा तनाव 73 दिनों तक चले ढोकलाम विवाद से भी लंबा चल सकता है, क्योंकि भारत के सामने झुकने से चीन की नाक कट जाएगी और अगर चीन पुरानी स्थिति में नहीं लौटता तो भारतीय सेना भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच 6 जून को हुई बातचीत के पहले और बाद में दोनों तरफ से सैनिकों ने कुछ कदम पीछे हटाए हैं। गलवान घाटी जैसी फेस ऑफ साइट पर अब दोनों देशों के सैनिकों के आमने सामने के बीच की दूरी 2 किलोमीटर से भी ज्यादा है। हालांकि चीन के सैनिकों के पीछे हटने के बहुत ज्यादा मायने इसलिए नहीं है क्योंकि चीन अब भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पीछे बड़ा सैनिक जमावड़ा बनाए हुए है। इतिहास गवाह है कि चीन रत्ती भर भी भरोसे के लायक नहीं है। अतीत में भी वो बॉर्डर पर भारत के साथ दगाबाजी कर चुका है। इस बार भी चीन ने एक खतरनाक चक्रव्यूह रचा है। उसने एलएसी पर एक साथ 3 लेवल की मोर्चेबंदी कर रखी है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीनी फौज की हलचल नजर आ रही है, लेकिन भारत के कड़े तेवर देखकर उसे बातचीत करनी पड़ी। भारत और चीन के बीच हाई लेवल मीटिंग में क्या क्या बात हुई अब आप ये भी देख लीजिए। भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच 6 जून को मीटिंग हुई थी। सूत्रों के मुताबिक उस मीटिंग में भारत ने चीन को साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया कि एलएसी पर पहले चीन को सेना हटानी पड़ेगी। भारत ने लद्दाख में एलएसी से जुड़े चीन के हर दावे की पोल खोल दी।
और वो तमाम तथ्य पेश किए जिनसे चीन के हर झूठ का पर्दाफाश हो गया। चीन समझता था कि लद्दाख में एलएसी के आसपास मोर्चा बंदी करके वो भारत पर रौब गांठने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन भारत के जांबाज सैनिकों ने ड्रैगन को करारा जवाब देकर उसकी बोलती बंद कर दी। दरअसल एलएसी पर तनाव बढ़ाकर चीन ने लद्दाख के कई इलाकों को अपना बताने की साजिश रची थी। लेकिन भारत ने अब चीन को साफ साफ कह दिया है कि वो जमीन पर उतर कर बताए और अपना दावा साबित करके दिखाए। फिलहाल लद्दाख में चार पॉइंट्स हैं जहां भारत चीन के सैनिक आमने सामने हैं। विवाद वाले इलाके हैं पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17A और फिंगर एरिया 4। सूत्रों के मुताबिक इन्हें सुलझाने के लिए कमांडर स्तर पर बातचीत होगी। दोनों देश के कमांडर विवादित जगहों पर जाकर सुलह की कोशिश करेंगे। फिंगर 4 ज्यादा अहम है, इसलिए मुमकिन है इसके लिए लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर बातचीत हो। भारत एक बार फिर से बातचीत करेगा थोड़ा ऊपर के लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल से चाइना के साथ, और ये मसला तभी सुलझेगा जब चाइना के साथ इस मैटर को डिप्लोमेटिक लेवल पे बात करके कोई ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से जो है कोई उनको आदेश दिया जाएगा, तभी चाइनीज को हम विड्रॉ करने की उम्मीद कर सकते हैं। नहीं तो ये स्टैंड ऑफ इसी तरह उतनी देर चलता रहेगा। भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच 6 जून को हुई बातचीत में दोनों देशों ने इस बात पर रजामंदी जताई कि समाधान के लिए दोनों वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि शीर्ष सैन्य सूत्रों के मुताबिक बातचीत की मेज पर भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि चीन को पहले विवादित स्थानों से अपने सैनिकों को पीछे ले जाना होगा पहले वाली स्थिति में, क्योंकि चीन ही पहले आगे आया था, उसके बाद ही भारत अपने सैनिकों को पीछे हटाएगा। भारत हमेशा से कहता आ रहा है कि चीन एलएसी पर बार बार अपने दावों को बदलता रहता है, लेकिन अब चीन को जमीन पर खड़े होकर अपना पक्ष साफ करना पड़ेगा। इसके लिए एक बार फिर दोनों देशों के सैन्य कमांडर बातचीत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक गैलवान घाटी के करीब पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के साथ साथ पैंगोंग शो झील के फिंगर एरिया और हॉट स्प्रिंग पर भी दोनों देशों के बीच हाई लेवल की मीटिंग होगी। एलएसी पर जारी तनाव को खत्म करने के लिए भारत का जोर इस बात पर है कि दोबारा बातचीत के लिए जल्दी ही नई तारीख तय होनी चाहिए। शीर्ष सूत्रों के मुताबिक पहले चीन को अपने सैनिक हटाने होंगे, क्योंकि एलएसी पर पहले चीन के सैनिक आए थे। भारत ने जवाबी कार्रवाई में सैनिक बढ़ाए हैं, इसलिए चीन के सैनिक हटते ही भारत की तरफ से भी सेना में कटौती करके जवाबी कार्रवाई होगी, और ये तभी होगा जब दोनों देशों के बीच कोई रजामंदी बनेगी। सूत्रों की माने तो भारत चाहता है कि चीन को अपने वो सभी सैनिक हटाने होंगे जो पिछले एक महीने से एलएसी के आसपास तैनात हैं। साथ ही चीन के उन सैनिकों को भी पीछे हटना पड़ेगा जिन्हें रिजर्व फोर्स के तौर पर एलएसी से कुछ किलोमीटर दूर ही तैनात किया गया है। सनसनी के लिए प्रणव उपाध्याय की रिपोर्ट। जुबां पर शांति का राग और दिमाग में साजिशों का चक्रव्यूह। चीन के दोहरी चाल अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। चीन की चालबाजियों को भारत अच्छी तरह से समझ चुका है, इसलिए अब पूरा देश हर मोर्चे पर चीन को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है। बॉर्डर पर जवान तैयार हैं और बॉर्डर से दूर बाजारों में चीन को सबक सिखाना चाहता है पूरा हिंदुस्तान। चीन की करतूतों ने हर हिंदुस्तानी को गुस्से से भर दिया है।
लद्दाख में एलएसी के नजदीक तैनात भारत के जांबाज जवानों ने पहले से ही चीनी सैनिकों के हौसले पस्त कर रखे हैं। और अब पूरा हिंदुस्तान चीन की हर हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बॉर्डर से लेकर बाजार तक चीन को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और भारत की नई तैयारियों की झलक आपको इन तस्वीरों में मिल जाएगी। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे की हैं, जहां कुछ लोगों ने चाइनीज मोबाइल फोन जमीन पर पटक कर चीन के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। हाथों में चीन का झंडा थामे इन लोगों ने एक एक कर चार चाइनीज फोन जमीन पर चकनाचूर कर डाले। अपने चाइनीज फोन जमीन पर पटकते वक्त वो लोग चीन के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। ये सभी लोग ब्राह्मण महासंघ से ताल्लुक रखते हैं। मेड इन चाइना के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंकने में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। पुरुषों के बाद महिलाओं ने भी चाइनीज सामान के बहिष्कार का मोर्चा संभाल लिया। इन लोगों का कहना था कि ब्राह्मण महासंघ चाइनीज सामान को जलाकर अपने गुस्से का इजहार करना चाहता था, लेकिन जब सामान जलाने की इजाजत नहीं मिली तो चाइनीज मोबाइल को तोड़कर अपना विरोध जताया। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के बाजार में चीन के माल की भरमार है। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत के स्मार्टफोन मार्केट पर चीन ने कब्जा जमा रखा है, लेकिन बॉर्डर पर चीनी फौज का दुस्साहस देखने के बाद लोग अब चाइनीज माल के बायकॉट की मुहिम छेड़ रहे हैं। आए दिन ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें चाइनीज सामान के बहिष्कार का बिगुल फूंका जा रहा है। आज दिनांक 2 जून 2020 को यह शपथ लेता हूँ कि चीन में निर्मित वस्तुओं अथवा सामग्री का जैसे खाने की, पीने की, पहनने की, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, संचार उपकरण इत्यादि का उपयोग नहीं करूंगा। सोशल मीडिया पर वायरल करीब 36 सेकंड के इस वीडियो में भी चीन के खिलाफ गुस्से की झलक है। इससे पहले देश के जाने माने शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने भी चीनी सामान के बॉयकॉट का बिगुल फूंका था। मेरा ये मानना है कि हम बुलेट से ज्यादा भारत के जनता वॉलेट से दे सकते हैं, क्योंकि ट्रेड में हमारा वर्चस्व है, हम पे वो निर्भर करते हैं ना कि हम उन पे। वो हमें 5 लाख करोड़ का सामान बेचते हैं और हम कस्टमर हैं और कस्टमर इज द किंग। तो हमें अगर ये हम दिखा पाए कि हम आपके बदतमीजी को नहीं सहेंगे और हम अलग जगहों से खरीद सकते हैं, अपने देश में बना सकते हैं, तो ये सबसे बड़ा डर होगा चीन का। शिक्षाविद सोनम वांगचुक के इस बयान से चीन ऐसा बिलबिलाया कि वहां के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने सीधे सीधे उन्हें निशाने पर ले लिया। सोनम वांगचुक चीनी फोन और मोबाइल ऐप के विरोध की बात कर रहे थे। वहीं चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने हेकड़ी दिखाते हुए कहा है कि भारत के लोग मुश्किल से ही चीनी सामानों का विरोध कर सकते हैं। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि भारतीयों के लिए चीनी उत्पादों का बहिष्कार करना संभव नहीं है। एक लेख में दावा किया गया कि भारतीयों की जिंदगी में चीनी उत्पाद इतने व्यापक तौर पर फैल चुके हैं कि उन्हें हटा पाना बेहद मुश्किल है। चीन का अखबार ग्लोबल टाइम्स जो भी दावे कर रहा है उसके पीछे कुछ और नहीं बल्कि चीन की बौखलाहट छुपी हुई है। भले ही भारत के बाजारों में चीन के सामान छाए हुए हैं, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत में ग्राहकों के लिए तरस जाएगा चीन। भारत के बाजारों में आज चारों तरफ चाइनीज माल नजर आता है।
स्मार्टफोन से लेकर बच्चों के खिलौनों तक मार्केट पर चीन के सस्ते माल का कब्जा है। साथ ही भारत के इलेक्ट्रॉनिक आइटम वाले मार्केट में अकेले 50% पर चीन का कब्जा है। मतलब साफ है कि मौजूदा वक्त में भारत के बाजार पर हावी हो चुका है चीन। लेकिन अब पूरे देश में चाइनीज सामान के बहिष्कार की मांग जोर पकड़ने लगी है। देश के व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन CAITयानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 10 जून यानी बुधवार से चीनी सामान के बॉयकॉट की मुहिम छेड़ने का ऐलान किया है। इसके लिए करीब 3000 प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाई गई है। हम आपको बता दें कि CAITदेश के 7 करोड़ व्यापारियों और 40,000 व्यापार संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है। जाहिर है कि बहुत जल्द देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर चीनी माल के बहिष्कार की कसम होगी, और फिर वो दिन दूर नहीं जब चीन के सामान को हिंदुस्तान में ढूंढे से भी ग्राहक नहीं मिल पाएंगे। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारत में लोगों का यह गुस्सा बॉर्डर पर चीन की हिमाकत का नतीजा है। चीन की कारस्थानियों ने LAC पर तनाव बढ़ा रखा है, लेकिन अब सूत्रों का कहना है कि भारत के कड़े तेवर देखने के बाद LAC पर उल्टे पांव लौट रहा है चीन। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।